और विजय प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है, विजय प्राप्त करवाना ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए जीवन का श्रेष्ठतम भाग वह है जब व्यक्ति अपने आप में समाज में अद्वितीय बने, इतना ऊंचाई पर उठे कि लोग उसको देखें। और गुरु अगर नहीं उठाता है तो गुरु अदम्य, जिसे मुझे साथ कहते हैं, ऐसा अदम मैं नहीं बनना चाहता। एक क्षण तक उसको तोड़ते हैं, गुरु तोड़ता रहता है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, ठीक है, नहीं है, उसको सभी तरह से उसको परख लेता है, पानी में डुबो करके भी, आग में तपा करके भी, लोहे से पीट करके भी, और उसके बाद उसको देखता रहता है कि क्या करता है। एक ओ ध्यान, एक ओ ज्ञान, एक ओ चिंतन, एक ओ चिंतन। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि जीवित गुरु के पास रहना है तो बहुत ज्यादा कठिन है, इससे ज्यादा कठिन तो कुछ है ही नहीं, और उससे ज्यादा आनंदप्रद भी कोई चीज नहीं, मस्ती भरी कोई चीज नहीं है कि हम जीवित जागृत गुरु के पास बैठे। ये तो सौभाग्य है कि हम उनके पास बैठे, और एक उच्च कोटि के गुरु के पास बैठे हों, और जीवित गुरु के पास बैठे हों, और जागृत गुरु के पास बैठे हों, और उनकी छाया तले हम कुछ प्राप्त करने के लिए बैठे हों, तो शंकराचार्य कहते हैं एक ही धर्म, एक ही ज्ञान, एक ही चिंतन, एक ही चिंतन, नैवम न धर्मम न ज्ञानम न चिंत्यम विचिंत्यम सदैवम तुमेवम शरण्य। उसमें तुम्हारे पास दूसरा कोई चिंतन नहीं है, एकम चिंत्यम, एक ही चिंतन है, एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है, एक ही ज्ञान है। इसलिए कि तुम्हारा उस कार्य को लेकर के वो अपना ऊपर पाप का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, गुरु नहीं चाहता कि मैं वृद्धावस्था में उस पाप के बोझ से दब करके अपने जीवन को सत्यानाश करूं। जब वो गुरु शब्द है तो इसका दूसरा शब्द शिष्य है, जब पति शब्द है तो एक पति शब्द है, जब सुख शब्द है तो दुख शब्द है, और जब गुरु शब्द है तो शिष्य शब्द है, तो फिर गुरु का धर्म, गुरु का कर्तव्य एकमात्र यही है कि अपने परिवार की भी चिंता छोड़ करके केवल शिष्य के हितों की रक्षा करे, और उसको ऊंचा उठाए, अद्वितीय बनाए, योग्य बनाए, इतना ऊंचा बैठा दे, इतना ऊंचा उठा दे कि उसके समान से दूसरा नहीं हो सके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, चाहे प्रभुत्व का क्षेत्र हो, चाहे पूर्णता का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक का क्षेत्र हो। वह गुरु देखता है कि इसको मुझे कहाँ उठाना है, भौतिक क्षेत्र भी अपने आप में उच्च कोटि का पूरा नहीं होगा। मैं गुरु को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को संपन्न कर दे, विलंब अगर होता है तो शिष्य में गुरु के पास एक और चीज उसके मन में आ जाती है, तो उतना ही फिर विलंब होता रहता है, थोड़ी उसके बाद नींद आती है तो फिर वो विलंब है, उल्लंघन है तो विलंब है, छल है तो विलंब है, आलस्य है तो विलंब है, क्योंकि आपके पास गुरु के आप एक और चीज बैठ गई, शेर हो गया। तो राम आज से तुम्हारा माँ मैं हूं, बाप मैं हूं, भाई मैं हूं, संबंधी मैं हूं, रिश्तेदार हूं, और घोरतम शत्रु मैं ही मैं तुम्हारा, मुझसे जैसा बड़ा शत्रु तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी तुम्हें लात मार के भी तुम्हें छाती से बाहर फेंक दूंगा, फिर नहीं करूंगा, और दूसरे क्षण पुचकार करके छाती से भी नहीं चिपकाऊंगा। न उस समय तुम्हारे पास वितृष्णा होगी, न उस समय तुम्हारे पास प्रेम के आंसू होंगे, केवल एक उद्देश्य है कि गलती मेरी कहीं कहीं हुई जरूर है, और ठोकर लगी है तो मेरे अनुकूल लगी है, उचित लगी है। और ऐसा गुरु करे, नहीं करता है तो गुरु पद के योग्य बन नहीं सकता, क्योंकि खुश जगह पहुंचा नहीं सकता। उसकी इच्छाओं को देख के गुरु आज्ञा दे तो शिष्य कुछ नहीं कर सकेगा, क्या उसका मुंह उठे शिष्य को काम सौंपे, जब उसका मुंह हो ही नहीं तब वो काम सौंपे, जो नहीं कर सके वैसा उसको काम सौंपे। और शिष्य का एकमात्र एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य, जो वाल्मीकि रामायण ने कहा वही शंकराचार्य ने कहा, एक ही धर्म, एक ही चिंतन, एक ही चिंतन है, एक ही चिंतन, मन की धारणा भी एक ही है, कि जितना काम सौंप दिया है उस काम को उस समय में पूरा कर ही देना है। यहां पर विश्वामित्र ने दोनों को तोला है, न शिष्य का पक्ष लिया है न गुरु का पक्ष लिया है, उसने कहा ऐसा करके गुरु भी घोर पाप में गिरता है और उसको भोगता है, उस सजा को उसको भोगनी पड़ेगी, उस गुरु को भी, क्योंकि उसने एक परान में खाया है, शिष्य के परिश्रम को खाया है, आदान प्रदान जो परिश्रम देता है वो तुम्हें ज्ञान देता है, चेतना देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, ऊंचाई देता है, सफलता देता है, अद्वितीयता देता है, वो बार बार परखता रहता है कि मुझे इसको कब क्या देता है, क्या देना है, और उसको पूर्णता के साथ ग्रहण करना है। पूर्णता से ग्रहण कर पाओगे तब
जब तुम्हारे पास और कोई चीज होगी नहीं, न काम होगा, न क्रोध होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, न आज्ञा का उल्लंघन होगा, न स्वार्थ होगा, ऐसा तुम्हारे पास होगा तो फिर वो पूर्ण रूप से समावेश हो भी नहीं पाएगा। राम ने खड़े होकर कहा कि जो तुम्हें आपके पास है इसमें एक भी शब्द में मलिनता नहीं आ पाएगी, मैं पूरी तरह से अपनी तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूं, मगर मैं जीवन में सामान्य जो मेरे पुरखे बने हैं, जो रघु से लगातार दशक तक मेरे पूर्वज बने हैं, मैं इस प्रकार से मामूली राजा बनकर के जीवित नहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं युग पुरुष बन सकूं। आज मैं अकिंचन एक राजपुत्र हूं जो मैं मिट जाऊंगा, 20 साल 25 साल 50 साल बाद मेरी अस्थि समाप्त हो जाएगी, जैसे मेरे पिता और मेरे दादा की समाप्त हो गई। आज हमें मालूम भी नहीं अजमे जिंदगी में क्या काम किया, उसके पुत्र अजमे दस उसने क्या काम किया, मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं, मगर मैं ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहता हूं। और मृत्यु आपके पास होते हुए मेरे पास आ नहीं सकती, और पराजय मेरी जिंदगी में संभव नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं आपके पास बैठा हूं, उस तपस्वी के पास बैठा हूं जिसका ज्ञान अपने आप में प्रकाशवान है, चेतना युक्त है, और आप जो कुछ भी है जब मैंने आपको गुरु धारण कर लिया है तो उसके बाद ये आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य, आप मुझे क्या बनाए, मैं कुछ भी बनाए अद्वितीय बनाए। और साष्टांग उसके चरणों में गिर जाते हैं विश्वामित्र के, और आंसुओं से पूरा उनके चरणों को भिगा देता है, सारा मलिनता, अंदर का द्वेष, अंदर की पौरुषता, अंदर का जो कुछ अहम, उस सब कुछ घुल करके एकदम आंसुओं में बह जाता है, और चेहरे पर एक ऐसी आभा, ऐसी मुस्कुराहट आंखों में और चेहरे पर छा जाती है कि अपने आप में चेहरा देवी की मान बन जाता है। वाल्मीकि का मैं पहली बार तुम्हें शिष्य देख रहा, अभी तक मैं तुम्हें राजपुत्र के रूप में देख रहा था, तुम्हारे चेहरे ऊपर राजपुत्र के चिन्ह अंकित थे, आज पहली बार तुम्हारे चेहरे पर शिष्यत्व के लक्षण देखे हैं, क्योंकि तुम्हारे मुस्कुराहट में जिस बात की सूचित दे रही है कि तुम शिष्य बन गए, तुम्हारी मुस्कुराहट इस बात की बद्ध है कि तुमसे यह तुम शिष्य हो, और यह शिष्यत्व तुम्हारा बना रहे, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं किस जगत में पहुंचाऊं और कितना जल्दी पहुंचाऊं, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें इस ज्ञान देकर के हटा दूं। और आज सोमवार भगवान शिव के दिन मैं भगवान शिव को साक्षी करके आप लोगों को कह रहा हूं कि मैं अब आप उस रास्ते पर गतिशील कर रहा हूं जिस रास्ते पर तुम अद्वितीय बन सको, मैं तुम्हें साधना भी दूंगा, कुछ ऐसा चिंतन भी दूंगा जिसके माध्यम से तुम अद्वितीय बन सकोगे, और जल्दी से जल्दी मैं आपको ठीक कर देना चाहता हूं, वह ज्ञान, वह चेतना, वह महापुरुषता, वह श्रेष्ठता और वह द्वितीयता, जितना जल्दी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय और कार्य की अवधि बहुत कम है, इस बात को भी मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि उससे पहले पहले मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूं, और उस जगह पहुंचाने के लिए तुम्हारे पास एक शब्द के अलावा दूसरा कोई शब्द सिर्फ रहना नहीं चाहिए, और देने के लिए अश्रु अर्घ के अलावा तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं चाहिए, और कोई चिन्ह तुम्हारे पास चेहरे पर आंखों पर रहेंगे नहीं, और यदि तुम ठीक उन्हीं शब्दों को अपने जीवन में उतार सको जो विश्वामित्र ने राम को कहें, क्योंकि राम को नहीं कहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वामित्र ने कहें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए गुरु के लिए कहें, उन्हीं शब्दों को जो विश्वामित्र ने कहा, उन गुरुत्व शब्दों को अपने हृदय में स्थापित करता हुआ मैं आपको सीधा की चीजें उन साधनाओं में प्रवृत्त कर देना चाहता हूँ, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे ऐश्वर्य का हो, चाहे भोग का हो, चाहे धन का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, उस जगह में इसमें शीघ्र से शीघ्र साधनाओं के माध्यम से केवल बनी कीर्तन नहीं, इसके अलावा भी तुम्हें कार्य दे सकते, चाहे मेरे दूसरे कार्य कम हो या सफल हो या नहीं हो, इस बात की मुझे चिंतन विचिंतन है ही नहीं, अब पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी, और मैं अपने जीवन में पाप का भागी बनकर के इस जीवन को यापन करना भी नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए बहुत जल्दी गतिशील हूं, और आपके चेहरे पर शिष्यत्व की केवल मुस्कुराहट होगी और आज्ञा पालन होगी, तीसरी कोई चीज आपके पास नहीं हो पाएगी, तो मुस्कुराहट इस बात की सूचक होगी कि तुम शिष्य हो, आज्ञा पालन इस बात की सूचक है कि तुम काम करने में बिल्कुल समर्थ हो,
उसमें तुम्हारे पास नींद नहीं है, तुम्हारे पास भूख नहीं है, तुम्हारे पास और कोई चीज नहीं है। मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और इसी आज्ञा इसी प्रतिज्ञा के साथ में मैं तुम्हें जल्दी जल्दी उस जगह पहुंचता हूँ जो जिस समाज में और विश्व में तुम अतिथि बन सको। और ऐसे मुझे अपने आप में मेरी पौरुषता पर गर्व है और मैं ऐसा कर सकूंगा, ऐसा ही मैं देखा आपको आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रभु, मुझ में ना तो इतनी सामर्थ्य थी और ना होगी, ये तो आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है कि इस लेखनी के माध्यम से कुछ शब्दों को आपका नाम लेकर के इस कागज में अंकित किए और मेरी ये हार्दिक इच्छा भी है कि मुझे आपसे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि आपके जीवन का, कर्मों का, ज्ञान का, चेतना का प्रसार प्रचार मेरी लेखनी की शक्ति में आ जाए और मैं वेद शास्त्र के रूप में एक ग्रंथ लिख सकूं। और मुझे विश्वास है प्रभु ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करेंगे। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्ध सिद्ध के मालिक हैं वो नारायण कहलाते हैं, उनकी शरण गए जो प्राणी मोक्ष गति वो पाते हैं। जिन पर हाथ दया का रख दे भव सागर कर जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन से कट जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। खरंतिया की पावन भूमि नारायण अवतार हुआ, खरंतिया की पावन भूमि नारायण अवतार हुआ। 21 अप्रैल का वो शुभ दिन घर घर मंगलाचार हुआ, 21 अप्रैल का वो शुभ दिन घर घर मंगलाचार हुआ। मुल्तान चंद जी पिता हैं इनके, सीधे सरल निराले हैं, खुददारी जीवन में पाई कर्म के वो मत वाले हैं। माता रूपा देवी की हर बात निराली लगती है, गर्व है अपने पुरखों पर जीवन को समझ कर चलती है।
से झात्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। जन्म के कुछ दिन पहले रूपा देवी को सपना आया। जन्म के कुछ दिन पहले रूपा देवी को सपना आया। नारायण ने कहा मात तेरे घर नारायण आया। नारायण ने कहा मात तेरे घर नारायण आया। नारायण अवतार हुआ संगीत की लहरी गूंज उठी। बिना किसी आहट के देवा अपने मन में झूम उठी। नारायण अवतार हुआ संगीत की लहरी गूंज उठी। बिना किसी आहट के देवा अपने मन में झूम उठी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। जन्म के कुछ दिन बाद की घटना नारायण जी सोए थे। जन्म के कुछ दिन बाद की घटना नारायण जी सोए थे। बैठ सिराने काले वास की जिनकी याद में खोए थे। बैठ सिराने काले वास की जिनकी याद में खोए थे। माता ने आकर ये देखा मन ही मन घबराने लगी। बख्श दो मेरे लाल को देवा हाथ जोड़ कर कहने लगी। सुनकर माँ की करुण ध्वनि वह बालक नींद से जाग उठा। इधर वासुकी बिना रुके अपने गंतव्य की ओर चला। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। हाल में खेले कूदे मामा का सम्मान किया। ननी हाल में खेले कूदे मामा का सम्मान किया। नौ वर्ष की बालावस्था वेद शास्त्र का ज्ञान लिया। नौ वर्ष की बालावस्था वेद शास्त्र का ज्ञान लिया। नारायण के बालक मन में दया भाव भंडार भरे। कभी किसी की सेवा की और कभी किसी का कष्ट हरे। भोजन कभी अपाहिज को दे बीमारों की सेवा की। बालकपन में साधु बन गए ये कुदरत की लीला थी। पूरे गांव का लाडला बालक पूजा पाठ जो करता था। मधुर कंठ से शिव उपासना सात स्वरों में करता था। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। एक दिन की मैं बात सुनाऊं नारायण जी आते थे। एक दिन की मैं बात सुनाऊं नारायण जी आते थे। आग लगी थी एक घर में और सभी लोग चिल्लाते थे। आग लगी थी एक घर में और सभी लोग चिल्लाते थे। घर में छोटा सा बालक अग्नि के बीच अकेला था। माँ चित्कार करने लगी पर्दे बस भीड़ करेला था। नारायण ने यह देखा तो अपने आप में रह न सके। कूद गए अग्नि के अंदर आशीषें भी ले न सके। बालक को लिया गोद तभी नारायण जी बाहर आए। देखा जीवित बालक को वे सब नर नारी हर्षाए। होकर के घायल नारायण कई दिनों बीमार रहे। लेकिन जान बची बच्चे की मन में हर्ष अपार भये। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन
कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। और महकी हर एक कली कली, फूल फूल मुस्काने लगा और महकी हर एक कली कली। नाम भगवती देवी जिनके मन आनंद अपार हुआ, गूंज उठी मंगल शहनाई घर घर मंगलाचार हुआ। बालावस्था में ही माता ईश्वर पूजा करती थी, भजन ध्यान में मन को लगाती कृष्ण का मान वो करती थी। तन से देवी मन से भोली माता जब निराली है, अम्बे माता रूप यही यही माँ दुर्गा काली है। त्याग की पावन मूरत है, संतोष की मुख पर लाली है, श्रद्धा की साकार छवि रोहट की रहने वाली है। सीताश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सीताश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। विवाह के कुछ दिन बाद पिताजी इनको ले लूनी आए, विवाह के कुछ दिन बाद पिताजी इनको ले लूनी आए। विद्यालय में पढ़ने लगे और पूजा पाठ में मन लाए, विद्यालय में पढ़ने लगे और पूजा पाठ में मन लाए। रविवार का दिन था वो यह एक सहपाठी देख रहा, ध्यान लगा फिर लगी समाधि एक समय ही बीत गया। अक्सर लगने लगी समाधि घंटों लगती रहती थी, मन आंगन में दिवाली देवाएं मंगल करती थी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। एक नया फिर दौर चला अध्यापक बन आगे आए, एक नया फिर दौर चला अध्यापक बन आगे आए। सामाजिक निर्माण किया नैतिक विकास आगे लाए, सामाजिक निर्माण किया नैतिक विकास आगे लाए। चक्र समय का चलता रहता पूजा पाठ न छूटा था, प्रभु चरणों में ध्यान लगा ईश्वर से प्रेम अनूठा था। भारत से खोई विद्या को भारत में फिर लाना है, जन जन को संदेश मिले जीवन का यही सराहना है। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं, कलम हाथ में लेकर के हम सब चरणों में जाते हैं। एक दिन सोचा मेरा जीवन क्या यूं ही टल जाएगा, एक दिन सोचा मेरा जीवन क्या यूं ही टल जाएगा, या फिर कोई कर्म अनोखा रंग नया दिखलाएगा, या फिर कोई कर्म अनोखा रंग नया दिखलाएगा। बोले पत्नी से अब मुझको छोड़ के घर ये जाना है, पर्वत राज हिमालय में ही मेरा प्रिय ठिकाना है। या तो मौत मिलेगी मुझको या जीवन को पाऊंगा, छोड़ के अपने बंधन सारे सन्यासी हो जाऊंगा।
माता ने यह वचन सुना अपने मन समझाने लगी। माता ने यह वचन सुना अपने मन को समझाने लगी। जैसी इच्छा विधि विधान की नारायण से कहने लगी। जैसी इच्छा विधि विधान की नारायण से कहने लगी। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में वन वन घूमे फिरे भटकते मंत्र तंत्र का ज्ञान लिया। वन वन घूमे फिरे भटकते मंत्र तंत्र का ज्ञान लिया। यंत्रों को जीवन में उतारा अपने मन को जान लिया। यंत्रों को जीवन में उतारा अपने मन को जान लिया। बने थे काली और अघोरी संतानों को साध लिया। सौम्य रूप को हृदय बसाया जीवन ज्ञान अगाध लिया। सिद्धाश्रम के वासी की हम पावन कथा सुनाते हैं। कलम हाथ में लेकर के हम गुरु चरणों में जाते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।